उज्जैन की चीमनगंज पुलिस ने जालसाज मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। व्यापारी को सौदे में असली सोना दिखाकर नकली थमा दिया था। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र निवासी सोना चांदी के व्यापारी की दुकान पर एक महिला और उसका बेटा पहुंचा। सस्ता सोना मकान की खुदाई में मिलना बताया और उसने बेचने की बात कही। व्यापारी ने घर पर सोना मंगवाया तो महिला और उसका बेटा 1 किलो 500 ग्राम सोना घर पर ले देने पहुंचे और व्यापारी से 2 लाख की मांग की। व्यापारी उन पर शक हुआ तो जीवाजीगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि महिला सस्ता सोना खरीदने और बेचने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यह जो सोने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी, किस प्रकार से जांच की जा रही है, किस प्रकार से क्या? देखिए, कल सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो नकली सोना असली बताकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। तो सूचना पर हम लोगों ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से करीब 1.5 किलो वजन का नकली सोने नुमा एक लड़े मिली हैं, उसके संबंध में जांच की जा रही है। आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।